तो दोस्तों क्या आप लोग लेना चाहते हैं रियलमी की तरफ से आया हुआ फोन रियलमी GT 2 5G। तो पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, इसका प्राइस क्या आने वाला है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या डिस्प्ले, क्या कैमरा, क्या बैटरी, यानी कि A to Z में आपको बताने वाला इस फोन के बारे में। जी हाँ, तो लोग सही सुन रहे, रियलमी GT 2 5G के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये फोन में आपको क्या क्या फीचर्स आपको दिए गए हैं। तो बस वीडियो को एंड तक देखेंगे आप लोग। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस फोन में क्या क्या फीचर दिए गए हैं और यह फोन आपके लिए है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बटे वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फोन आपको मिलने वाला है 8GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज में 24,999 में Realme GT 2 5G। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर ले तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ये फोन आपको देखने को मिल जा रहा है। स्नैपड्रैगन 888 जो कि काफी बेहतरीन है। डिस्प्ले की अगर हम बात कर ले तो AMOLED डिस्प्ले आपको मिलने वाला है 6.62 इंचेस का, जिसके रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो 1080x2400 पिक्सल तक आपको देखने को मिल जा रहा है। इसके साथ साथ आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन में गोरिल्ला ग्लास का V5 आपको देखने को मिल जा रहा है। बेजल लेस डिस्प्ले विद पंच होल डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जा रहा है। ब्राइटनेस की अगर हम बात कर ले तो 1300 nits का आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जा रहा है। रिफ्रेश रेट की अगर हम बात करें तो 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को इसमें मिल जा रहा है। वहीं इसकी वेट की अगर हम बात कर ले तो 194.5 ग्राम्स का आपको देखने को मिल रहा है। कलर की अगर हम बात कर ले तो 3 कलर में आपको देखने को मिल जा रहा है, पेपर व्हाइट, पेपर ग्रीन, स्टील ब्लैक में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मेन कैमरा की अगर हम बात कर ले तो ट्रिपल कैमरा इसमें आपको मिलने वाला है। 50 MP की अगर हम बात कर ले तो अपर्चर 1.8, वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल रहा है। 8 MP की अगर हम बात कर ले तो अपर्चर 2.2, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको देखने को मिल जा रहा है इसमें। वहीं अगर हम 2 MP की अगर हम बात कर ले तो 2.4 माइक्रो कैमरा आपको देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि HDR आपको कंटिन्यूस शूटिंग मोड भी आपको दिया गया है इसमें। उसके साथ साथ डुअल LED फ्लैश आपको देखने को मिल जा रहा है। 20x का डिजिटल जूम आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस भी आपको देखने को मिल जा रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात कर ले तो 30 FPS पे आपको रिकॉर्डिंग करके देगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसमें एक और फीचर है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप लोग ब्लॉगिंग के पर्पज से लेना चाहते हैं तो इस फोन को ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ये फोन आपको देखने को मिलने वाला है। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो सिंगल मिलने वाला है 16 MP की, जिसकी अपर्चर की अगर हम बात करें तो 2.5 वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा आपको देखने को इसमें मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इसमें फिक्स फोकस भी आपको देखने को मिल जा रहा है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात कर ले तो 90:20x1080 आपको 30 FPS पे आपको रिकॉर्डिंग करके देगा। वहीं अगर हम बैटरी की बात कर ले तो मैं आपको बता दूं कि 5000 mAh का आपको बैटरी मिलने वाला है सुपर डार्ट, जो कि आपको 33 मिनट में 100% चार्ज करके फोन दे देगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि इस फोन में क्या क्या फीचर्स के साथ आपको ये फोन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अगर इस फोन को लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि रियलमी की तरफ से काफी बेहतरीन फोन आया हुआ है रियलमी GT 2, जो कि काफी बेहतरीन है। प्राइस भी आपका एवरेज में आपको देखने को मिल जा रहा है, जो कि काफी बेहतरीन है। आपको ये फोन आपको 20 से 22 हज़ार के बीच में मिलने वाला है। तो अगर आप लोग इस फोन को लेने का सोच रहे होंगे तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि इस फोन को लेने वाले हो। अगर नहीं लेने वाले तो ये भी आप लोग कमेंट करके बता देना कि क्या ऐसा रीजन है जो कि आप लोग इस फोन को नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।